विभागों के बंटवारे के बाद काम में जुटे नए मंत्री अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू और अश्विनी वैष्णव ने संभाला कार्यभार। अनुराग ठाकुर ने कहा, हर जिम्मेदारी निभाने का करूंगा प्रयास। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संभाला चार्ज, पूजा अर्चना के बाद संभाला कार्यभार। जेपी नड्डा ने नए मंत्रियों से की मुलाकात, मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए मंत्रियों से मिले जेपी नड्डा। कैबिनेट में बड़े बदलाव के बाद आज शाम 5 बजे कैबिनेट की पहली बैठक, 7 बजे मंत्रिपरिषद की अहम मीटिंग। मोदी का मेगा कैबिनेट विस्तार, 43 मंत्रियों ने ली शपथ, 36 नए चेहरे शामिल। शपथ लेने वालों में 7 यूपी और 3 गुजरात के सांसद। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन, 87 साल की उम्र में शिमला में ली अंतिम सांस, 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। पिछले 3 दिन से वेंटिलेटर पर थे वीरभद्र सिंह, 2 बार कोरोना को दे चुके थे मात। 10 जुलाई को पैतृक गांव रामपुर बुशहर में होगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर, 2 आतंकी पुलवामा और 2 आतंकी कुलगाम में ढेर। पुंछ इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलते ही पुलिस और सीआरपीएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन, आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ में कोरोना के ग्राफ में फिर दिखा उछाल, 24 घंटे में सामने आए 330 नए मामले। प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी घटी, 1 दिन में इलाज के दौरान 2 मरीजों ने गंवाई जान। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 के पार, राजधानी रायपुर में सामने आए 20 नए केस। बीजापुर में सामने आए 34 नए मरीज, सुकमा में भी 38 नए संक्रमितों की पुष्टि। बीते 24 घंटे में कोरबा में 10 मरीज आए सामने, तो वहीं दंतेवाड़ा में 17 लोगों की कोविड टेस्ट आई पॉजिटिव। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में कोरोना के 43,892 नए मरीज, 817 मरीजों की मौत। देश में लगातार कम हो रहे हैं सक्रिय मरीज, सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 4,60,704 पहुंचा, 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। कोरोना के नए मामलों से ज्यादा हुई रिकवरी, रिकवरी रेट 97% से ज्यादा, मृत्यु दर घटकर 1.32% के करीब पहुंची। देश में अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन, 1 दिन में 33 लाख से ज्यादा टीके लगे। अब दिल्ली के अस्पतालों में हो सकेंगी नए कोरोना वेरिएंट की जांच, पूरे उत्तर भारत में इस तरह की यह तीसरी सुविधा। दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब शुरू, लोकनायक अस्पताल और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में की गई शुरुआत। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए जेनेटिक एनालाइजर मशीन से नए वेरिएंट का पता लगाया जा सकेगा। दिल्ली में बाजार बंद होने से व्यापारी संगठन नाराज, 1 हफ्ते में 6 बाजार कोरोना नियम का पालन न करने की वजह से किए गए बंद। दिल्ली में बाजारों के बंद होने को लेकर राजनीति शुरू, आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने, व्यापारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। WHO ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर दुनिया को किया अलर्ट, कहा डेल्टा वेरिएंट दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा खतरनाक। कोरोना के नए ट्रीटमेंट की तैयारी, यूके की यूनिवर्सिटी ने 5,000 से ज्यादा दवाओं पर की रिसर्च, कोरोना के इलाज में काम आएंगे 15 ड्रग्स। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 93 नए मामले आए सामने, 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,558 नए केस, 24 घंटे में कोविड से 147 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 664 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की गई जान। छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू कर दिया गया वैक्सीनेशन प्रोग्राम, राजधानी रायपुर के 215 सेंटर्स पर लगाई जा रही है वैक्सीन। वैक्सीन की डोज खत्म होने की वजह से बंद हुआ था लोगों का टीकाकरण, रायपुर को बीते दिन मिले वैक्सीन के 89,000 नए डोज। भोपाल में आज 31,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का रखा गया है लक्ष्य, ऑनलाइन स्लॉट बुक करने वालों को ही लग रहा है टीका। राजधानी भोपाल में बनाए गए हैं 100 वैक्सीनेशन सेंटर, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की लगाई जा रही है दूसरी डोज। ग्वालियर के जया रोग के अस्पताल के पार्किंग में दर्द से कराहता हुआ दिखा बुजुर्ग, अस्पताल ने नहीं ली मरीज की सुध।
बुजुर्ग का हाथ टूटा हुआ था, कंधे पर चोट लगी हुई थी, कीड़े लग रहे थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी मिलने के बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बुजुर्ग को पहुंचाया अस्पताल। बुजुर्ग ने अस्पताल में दम तोड़ा। 8 दिन बाद भोपाल में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी में छाए बादल, लोगों को गर्मी से मिल सकती है राहत। एमपी के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार। राजधानी के आसपास वाले हिस्सों में गरज और चमक के साथ हो सकती है बारिश। बिलासपुर के तारबहार इलाके में एक लड़के ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सागर जिले के राहतगढ़ थाने में बाइक और ट्रक की हुई टक्कर। मौके पर एक बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। एक शख्स हुआ बुरी तरीके से जख्मी। सागर में नदी में नहाने गई 70 साल की बुजुर्ग महिला की डूबने से मौत। पैर फिसलने के कारण हुआ दर्दनाक हादसा। सागर उप जेल में संदिग्ध हालत में मिला सफाईकर्मी का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर चाकू से किया गया हमला। व्यक्ति को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दुर्ग में देसी पिस्टल और कारतूस के साथ आरोपी को पकड़ा गया। 1 महीने पहले ही जेल से छूटा था आरोपी। जशपुर के कलेक्टर ने राजा पारा के मोहल्ला क्लास का किया निरीक्षण। सही जवाब देने वाले बच्चों को दिया गया पुरस्कार। जगदलपुर में लगातार रफ्तार पकड़ रहा है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम। जिले में 45 प्लस वाले 73%, तो वहीं 60 प्लस वाले 90% लोगों को लगाई गई वैक्सीन। खंडवा में सब्जी मंडी में अनियंत्रित होकर प्याज से भरा ट्रक पलटा। बड़ा हादसा टला। मंडी में सुबह के समय नीलामी में बड़ी संख्या में लोग सब्जियां खरीदने आते हैं। धार में 7 साल के राज नाम के एक मासूम बावड़ी खुदरा में रात में घर के बाहर पिता के साथ सोया हुआ था। तेंदुआ रात में आया और बच्चे को अपने साथ उठा ले गया। सूरजपुर जिले में कई साल से गुम बच्चों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त प्रशासन के पास है। ऐसे में कई गुम बच्चों की बरामदगी कर ली गई।